अस्सलामुअलैकुम क्लास एट, आज मैं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगी हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 3 ये सारी वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं। सॉल्व क्या करना है, क्यूब रूट उसका भी फाइंड करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 5m-1। इसका क्यूब फाइंड करने से पहले हमें क्यूब फार्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमने फार्मूले के ज़रिए ही इसे सोल्व करना है। 5x-1 का क्यूब, a-b का क्यूब इक्वल टू a³-3ab, a-b - b का क्यूब। 5x-1 इक्वल टू a का क्यूब क्या है, 5x। ये 5x a है और ये जो 1 है ना ये b है। 5x का क्यूब -3a, 5x और फिर b, a-b, 5x-1 और -1 का क्यूब, 5, 5। इसका क्यूब जब सॉल्व किया तो x का तो क्यूब आ गया, और 5 को पहले 3 × 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5, 5, 25, और 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करने से 125 आ गया। 125 x का क्यूब -3, 5, 15, 15, 5, 75 एक्स स्क्र। ये देखें ये x को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्र प्लस माइनस, अब ये वाला माइनस माइनस प्लस 3, 5, 15 x, और ये वाला माइनस का 1। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।